हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पॉल, सरो व चौकसी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर केपी सिंह ने शुक्रवार को हरियाणा उर्दू अकादमी पंचकुला के प्रांगण में अटल अदबी केंद्र पब्लिक लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। अटल अदबी केंद्र पब्लिक लाइब्रेरी का लोकार्पण करने के उपरांत उन्होंने उर्दू हरियाणा अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं पूर्व में स्थापित लाइब्रेरी का अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक अदबी मरकज और आर्ट गैलरी का उद्घाटन भी किया। अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा को इस अकादमी में और सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ भाषा वैज्ञानिकों को समय समय पर पुरस्कृत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा इस अवसर पर 6 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सेमिनार में विद्वानों ने दोनों भाषाओं पर अपने अपने विचार प्रकट किए। आज उर्दू अकेडमी ने जो एक सेमिनार किया उर्दू और हिंदी के भाषाई रिश्ते के ऊपर, ये एक बहुत ही खूबसूरत सेमिनार था और अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। सबका एक ही मत था कि दोनों भाषाएं एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं, दोनों भाषाओं के शब्द एक दूसरे को समृद्ध कर रहे हैं और दोनों भाषाएं हिंदुस्तान की भाषाएं हैं और दोनों भाषाओं में ये आपसी मेलजोल, इसी किस्म का मेलजोल बने रहना चाहिए और भाषा एक दूसरे को समृद्ध करती रहे, इसी में दोनों भाषाओं का हित है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।